नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते अज तो आपां पंजाब जीके दा पार्ट वन यानी सिकिज्म एंड सिख गुरुआं बारे आपां पूरी जानकारी एंड इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर विच पूछे हुए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नु आपां कवर करांगे। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आपां अज दी क्लास से होने इत्थे। मैं तीन लाइन्स लिखी हुई ने, ये इन्हां नु एक बारी पढ़ो अते याद कर लो अते अपने कॉपी ते लिख लो। इसका मतलब है गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी हर जी आर के ते टी जी। तुहानू दस दिना यह लाइन मैं क्यों लिखी है, क्योंकि एग्जाम में एक नॉर्मल जहाँ क्वेश्चन बनता कि जिमें कि गुरु अंगद देव जी सिखां दे कैमे गुरु से, मतलब किन्ने नंबर ऑफ गुरु से गुरु अंगद देव जी, या गुरु रामदास या गुरु तेग बहादुर, किसी भी गुरुआ बारे अपने तो पूछ लिया जाता एग्जाम कि यह गुरु कैमे गुरु से सिखां दे। तो यह लाइन मैं तो करके लिखी है, तो इस आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो तुम्हें यह लाइन याद होगी तो सिखां दे दसे गुरुआं दे नाम अते उन्हां दी पोजीशंस याद हमेशा रहणगियां। हुण जिवें इह लाइन है गुरु का अंग अमर रहे, इस विच पहला वर्ड है जो गुरु, इस तों आपां नूं ईजीली याद आ जाएगा गुरु नानक देव जी। इस तों बाद अंग अंग तों आपां नूं नॉर्मली याद आ जाऊगा गुरु अंगद देव जी। इस तों बाद गुरु अमरदास, अमर तों आपां नूं गुरु अमरदास जी तीजे गुरु सिखां दे नॉर्मली ही याद आ जाएगा। इस तों बाद गुरु रामदास जी, अपनों राम जैसा अज तो अज भी है, इस तो गुरु रामदास जी याद आ जाएंगे। इस तो इलावा अज तो अपन याद आ जाएगा गुरु अर्जन देव जी, अते इस तो बाद हर हर तो अपन याद आ जाएगा गुरु हरगोबिंद सिंह जी, एंड हर तो ही आप आर नाल कंटैक्ट करेंगे तो गुरु हर राय अपन ईजीली याद आ जाएगा। अते इस तो बाद हर तो बाद आप के नाल कंटैक्ट करेंगे तो गुरु हरकृष्ण देव जी अपन एग्जाम विच याद आ जाएगा। इस तो बाद टी का मतलब इतने गुरु तेग बहादुर जी है, तो जी का मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो यह इस तरह आप सिख गुरुआ के सारे नाम आते नंबरस भी कैमे गुरु से यह इस रिलेटड आप पूरी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में सैट कर लेंगे। अगर दोस्तों अगर चलने तो पहले एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन तोड़े लिए, जो तुम पोलटिक कंप्यूटर जनरल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पी डी एफ फाइल में खरीदना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम यह प्रीवियस एग्जाम जोड़े भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने पी डी एफ फाइल तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगा। एंड दोस्तों इस पी डी एफ फाइल का प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ यानी 44 रुपये है। तो हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आप कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कवर कर लें। तो क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं एग्जाम कि सिख धर्म का संस्थापक कौन सी, तो गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी सिख धर्म की। तो क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, गुरु नानक देव जी किस दे समकालीन से, मतलब गुरु नानक देव जी जदों सी तो उदो कौन किड़े किड़े मतलब पंजाब ते किन्ना दा राज हुंदा सी, तो बाबर आते उसके पुत्र हुमायूं का राज सी उस टाइम, तो यह गुरु नानक देव जी के दे समकालीन सन। तो क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, गुरु नानक देव जी ने किहड़ा साल अध्यात्मक पुनर्सुरजीत का आवास होया सी, जो उन्होंने अपनी शक्ति का अंदाजा होया सी तां उस टाइम 1496 कार्तिका पूर्णिमा का दिन सी, उदों उन्होंने अध्यात्मक पुनर्सुरजीत का अभ्यास होया सी। तो क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, गुरु का लंगर की स्थापना किसने की सी, तो गुरु नानक देव जी दौरान ही गुरु का लंगर की स्थापना हो गई सी। इस अलावा क्वेश्चन नंबर फाइव की संगत और पंगत की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने ही की सी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट तुहाडे सामने करना चाहुंदा, देखो इन्नी इंपोर्टेंट ते बेनीफिशियल वीडियोज़ मैं तुहानू प्रोवाइड करवाउणा, बट तुम की करते हो वीडियो में देखते हो जो भी मटीरियल हों उसू कॉपी पेन नाल लिख लें हो, तो मतलब इनफॉर्मेशन पूरी ले लें हो, बट चैनल में सबसक्राइब नहीं करते तो वीडियो में लाइक नहीं करते। तो सो इसका कोई घाटा नहीं पैंता जो तुम चैनल में सबसक्राइब कर दोगे तो वीडियो में लाइक कर दोगे। दोस्तों हों की है, जो भी कोई तुहाडे लिए वीडियो बना रहा है इंपोर्टेंट टॉपिक तो वीडियो सू प्रोवाइड करवा रहा है, जो तुम लाइक तो सबसक्राइब कर दोगे तो वह मोटिवेट हो जाता है, तो वह सोचता है कि चलो मेरी वीडियोज़ लोगों के काम आ रही है। तो करके हर यूट्यूबर तुम्हें वीडियो में रिक्वेस्ट करता है कि चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो तो वीडियो में लाइक कर लो। ओके दोस्तों उम्मीद है तुम मेरी गल समझ गए होंगे, हूँ सबसक्राइब तो लाइक करे बिना नहीं जाऊँगे वीडियो में, एंड लाइक तो सबसक्राइब भी उदो करो जो तुम्हें यह बेनीफिट लगती है वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया सी, तो दोस्तों काफ़ी 15 अप्रैल भी हों, मतलब कि जो ऑप्शन 15 अप्रैल आता तुम एग्जाम तो 15 अप्रैल से आप क्लिक करेंगे, बट सही मनी 14 अप्रैल 1479 भी सी ननकाणा साहिब में गुरु नानक देव जी का जन्म होया सी। तो क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, गुरु नानक देव जी की मौत कदों हुई सी, मतलब डैथ कदों हुई सी, तो 1526 ईस्वी करतारपुर साहिब पाकिस्तान इन्हों की डैथ हुई सी। तो क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम की सी, मेहता कालू गुरु नानक देव जी के पिता का नाम से।
ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੋਸਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 1507 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ? ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ।